वेलकम बैक दोस्तों, आपने लॉग इन किया है रेसलिंग बीक चैनल। आज हम बात करेंगे कौन कौन से रीज़न है जिसकी वजह से द ग्रेट खली WWE में नहीं है। ग्रेट खली का फैन बेस बहुत ज़्यादा है इंडिया में और उन्हें इज्जत भी बहुत दी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ये एपिसोड। पहला रीज़न ये है कि उनका WWE से कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है। दूसरे वर्ड में ये कहें कि WWE कॉन्ट्रैक्ट देती है सुपरस्टार को, वो सुपरस्टार के बिहाफ में होता है कि वो एक साल का कॉन्ट्रैक्ट रखता है या फिर 3 साल का। एक्चुअली द ग्रेट खली 2007 से लेकर 2014 तक रहे थे। उनका स्टार्टिंग डेब्यू हुआ था अंडरटेकर को हरा के, और उनके जो बाहर निकले थे वो रूसेफ से हार के। तो देख सकते हैं उनका किस तरह मिसयूज़ किया जा रहा है। तो इस ये भी एक कारण हो सकता है जिसके वजह से द ग्रेट खली नहीं है, क्योंकि वो सोच सके होंगे कि WWE उनका बहुत पूरा पैथेटिक वे में मिसयूज़ कर रही है। और ये भी है कि वो CW चलाते हैं जिसके वजह से वो WWE में नहीं आना चाहते हैं। तो ये भी एक रीज़न है। सेकंड रीज़न जो हमारे पास बनता है मेन रीज़न, वो है उनकी इंजरी के वजह से। ऑब्वियसली इतने बड़े सुपरस्टार हैं, वन ऑफ द टॉलेस्ट सुपरस्टार हैं, तो एक्चुअली वो इंजर भी हो गए थे। और कहीं ना कहीं रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि उनकी जो नी है वो इतनी अच्छी नहीं रही कि वो एक बेटर वे में रेसलिंग कर सकें। तो ये भी एक रीज़न है। थर्ड रीज़न जो हमारे पास आता है वो ये है कि ग्रेट खली ने एक रेसलर को मार दिया था। जी आपने बिल्कुल सही सुना, ग्रेट खली ने एक रेसलर को मार दिया था। उनका नाम था ओंग, था नाम सर नेम नाम था। तो ये भी है, अगर बात करें वापसी की तो अभी कोई आसान नहीं लग रहे हैं कि ग्रेट खली वापसी करेंगे। अभी वो अपने CW में लगे पड़े हैं, स्कूल में लगे पड़े हैं वो, और बच्चों को सिखा रहे हैं जो और जो रेसलर कर सकते हैं। जैसे कई उनके इंस्टीट्यूट से वो गए हैं रेसलिंग करने WWE में। तो ये अभी तो वो सिखा रहे हैं, अभी तो लग नहीं रहा कि ग्रेट खली जाएंगे WWE में। तो ये थी वीडियो। ऐसी और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आप और कैसी वीडियो चाहते हैं। नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसी वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलना जरूरी है।